हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल, अपना आशियाना। तो यहाँ पर जुमजुम वर्ल्ड की मैडम बैठी हुई है, यानी कि बुलबुल, और अब इन लोगों की जाने की है तैयारी। तो बस बच्चों का सामान वगैरह पैक कर लिया, ज़्यादा तो नहीं लेकर आई थी, थोड़ा बहुत ही लेकर आई थी। बच्चों के साथ तो देखो जी, एक दो ड्रेसेस वगैरह ये सब तो हो ही जाते हैं, इनके डायपर्स वगैरह। और अफू आज बहुत खुश थी, पता है आज ना मैंने बच्चों को ही नहीं था कि बुलबुल फूफी आ रही है। दोनों स्कूल गए थे, जब मैं स्कूल से लेकर आ रही थी ना, तो अफू मुझसे कंप्लेन करी, मम्मा बहुत गर्मी है, मैं नहीं आऊँगा स्कूल, ये सब बातें। मैंने कहा बेटा आपके लिए ना घर पे एक सरप्राइज़ है। तो कहने की क्या सरप्राइज़ है? अभी ना स्कूल से ही आते के साथ ही मम्मा सरप्राइज़ बताओ, सरप्राइज़ बताओ। तो बस इन्होंने, मैं इनके लिए खाना बना ही रही थी, रोटियां बना रही थी, सब्ज़ी और रायता तो मैं सब बना के गई थी। तो बस मैं आके रोटियां डाल रही थी, इतने में बुलबुल आ गई और इनका रिएक्शन नोट करने वाला था। मैंने तो नहीं करा, पता नहीं बुलबुल ने भी करा है कि नहीं करा, मालूम नहीं मुझे। बट दोनों बच्चे इतने शॉक्ड थे और इतने हैप्पी थे, क्योंकि बुलबुल तो उनकी जान है ही है। तो बस यहाँ पर बुलबुल अब जो है ना वो जा रही हैं। रात के वैसे ना 1 बज गया था सबको जाते जाते, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही प्यारा। और जब भी आंटी अंकल आते हैं ना, तो बस हमारे घर में तो चार चांद लग जाते हैं कि इतना प्यार मिलता है ना। तो अच्छा, मैंने जब पिछला वाला ब्लॉग डाला ना, तो सब कहने लगे कि अभी आपने तो ना पिछला वाला ब्लॉग बस सबकी तारीफ़ों के में ही निकाल दिया। तो गाइज़, जो लोग जैसे होते हैं ना और मुझे जैसे लगते हैं, मैं उनकी बिल्कुल वैसे ही बात बताती हूँ। जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं या जो अच्छे के तारीफ़ के काबिल होते हैं, तो उनकी ऐसे ही बात करी जाएगी ना। अब जो लोग अच्छे ही नहीं है, तो मैं उनकी कहाँ से तारीफ़ कर दूँगी, कहाँ से क्या बोल दूँगी। तो बस यही होता है कि आप जैसे होते ना, कि जग कैसा, जैसी मैं वैसा मेरा जग। तो मुझे सब अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं अच्छी हूँ, और अगर बुरे होंगे तो मुझे सब बुरे लगेंगे कि मैं बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूँढ लेती हूँ। और कुछ लोग होते हैं कि अच्छाइयों में भी बुराइयाँ ढूँढते ही रहते हैं, वो सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है। तो यहाँ पर आंटी भी बस बहुत सारी बातें करती हैं, और मैंने जैसे हमेशा कहा, आंटी जब गले लगाती है ना, तो इतना अच्छा लगता है ना, इतनी ना हिम्मत से मिलती है, पता नहीं क्यों। और मुझे आंटी से ऐसे गले लगना बहुत पसंद है, बहुत पसंद। वो एक होता है ना झप्पी पाना, जादू की झप्पी होती है आंटी जब गले लगाती हैं, तो लिटरली मुझे ऐसा लगता है जादू की झप्पी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आती है। और आंटी बहुत प्यार करती है। तो देखो, जो इंसान प्यार करता है ना, हर इंसान प्यार का भूखा होता है। जब कोई इंसान आपको इतना प्यार, इतना सम्मान देता है, तो आपका मन करता है बार बार उन लोगों से मिलने का और उन लोगों से बात करने का। तो बस यही था हमारा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे, अभी आपका हर वक्त बस गला ही ख़राब रहता है। तो डियर, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ, क्योंकि शांत माहौल तभी मिलता है मुझे, क्योंकि मेरा नीचे का घर है और बच्चों का इतना शोर होता है, कभी जीरा वाला, कभी ये और वो बर्तन वाला, तो इसलिए मुझे मॉर्निंग में करनी पड़ती है। तो मेरे गले में अब सुबह सुबह उठ के, जब तक आप इंसान चाय वाय ना पिए, तब तक गला एकदम नॉर्मल नहीं होता है ना। तो इसलिए आपसे मैं माजर चाहूँगी कि सुबह की आवाज़ जो होती है ना, वो मेरी थोड़ी हॉरेबल सी हो जाती है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि दोपहर में 11 बजे वॉइस ओवर करने की, लेकिन तब भी वही है कि बच्चों का आना जाना तो लगा ही रहता था। यहाँ पर इनायत का तो मन ही नहीं कर रहा था आंटी को छोड़ने के लिए, वो हमेशा कहते दादी आप मत जाओ ना, दादी आप आते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनायत बहुत प्यार करती है। और आंटी अंकल भी वही है ना, कि गिव एंड टेक का रिश्ता होता है, कि जब हम लोग प्यार करते हैं वहाँ से प्यार मिलता है, हम भी प्यार करते हैं, तो सारे रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही संजो के रखे जाते हैं। वही हमने तो यही सीखा है, रिश्तों को बना के रखना, संजो के रखना। तो बस यहाँ पर सबको हिदायत मिल रही है कि कौन कैसा रहेगा, कौन कैसा नहीं रहेगा। और बुलबुल जो है ना, इनायत जो है ना, बुलबुल को छोड़ ही नहीं रही है कि नहीं बुलबुल आप और रुक जाओ ना, ईद करके चले जाना। वही ना, ईद से कुछ दिन पहले आई है, तो फिर लगता ही है इंसान, मतलब हम बुरा लगता है, बट ये है कि हम इतने हैप्पी थे, मेरी खाला जी इतनी हैप्पी थी कि इतनी दूर से फंक्शन अटेंड करने के लिए आंटी अंकल आए, गुड्डू आए, तो बहुत बड़ी बात है। जबकि अंकल पूरे रोज़े रखते हैं, आंटी के भी रोज़े चलते, तो रोज़े रमज़ान में कहीं निकलना इतना ईजी नहीं है, लेकिन मोहब्बत होती है ना, तो वो इंसान सब चीज़ें कर लेता है। तो यहाँ पर बस अंकल जी भी समझा रहे थे कि सब ठीक से रहना, खुश रहिए, सब अच्छा होगा, अल्लाह ने चाहा तो। और यहाँ पर बुलबुल जो है ना, वो पापा से गले मिल रही है। अच्छा, पिछले समय में तो मम्मी बता रही थी कि अरे बेटियों के सर पर हाथ रख दो, ये वो, तो इस बार तो पापा खुद निकल गया। मेरे पापा ना चाबी का वो गुड्डा है, जितना हम बोलते ना पापा जी, बस उतना ही चलते हैं। वो बहुत सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही मतलब लविंग है, लेकिन उन्हें अपना प्यार
जो है ना वो जताना नहीं आता। अच्छा, मेरी हमेशा एक यही रह जाती है, मैं सब बेटियों को देखती हूँ, पापा से मिलती हैं ये वो, और कभी ऐसा कहीं हमारा होता नहीं है कि मैं विदा हूँ तो पापा से गले लगकर हूँ ये वो। इस वजह मैं सासनी से आई थी तो पापा तभी आए थे, तो मम्मी कह रही कि अरे तुम भी पापा से गले लगो, क्योंकि मम्मी से तो मैं लगती रहती हूँ। मैंने, मम्मा अगर मैं जिस दिन पापा से गले लगूँगी उस दिन तो फिर मेरा आंसू ही नहीं रुकेंगे। मैं बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव टॉपिक होता है मेरे लिए कुछ कुछ चीज़ें, तो बस अल्लाह बस इन लोगों को खुश रखे, मेरे माँ बाप को खुश रखे, सभी के पेरेंट्स को खुश रखे अल्लाह ताला। और बस और क्या ही कहूँ, अभी भी जैसे कि ना मेरी आँखों में अभी भी आंसू आ गए वॉइस ओवर करते में। मम्मी बस बुलबुल को समझा रही थी कि तुम टेंशन मत लो, अपने ध्यान रखो, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना। आंटी भी यही समझा रही थी, सब एक दूसरे को समझा रहे थे, और बस सब एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ भी दे रहे थे कि बस ईद अच्छे से गुजरे, सब के यहाँ पर ईद की खुशी अच्छी हो। क्योंकि भाई देखो, पूरा महीना रोज़े रखने के बाद तो ये तो रोज़ेदारों का हक होता है कि ईद को सेलिब्रेट करना अच्छे से। अच्छा, तो बस हम यहाँ पर वही डिस्कस कर रहे हैं, मम्मा बुलबुल को समझा रही हैं, बुलबुल मम्मा को समझा रही हैं, बुलबुल हमेशा आके हिदायत देके जाती है, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, लेकिन होता वही है जो होना होता है, किसी के समझाने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। जिम्मेदारी का काम तो सारे कर लेते हैं, बेटी का दहेज उठवा के, लिस्ट बनवा के, पैसों का सारा, कन्यादान सब करके सब आते हैं। हम घर में आके सो जाएंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे जब तक टेंट नहीं उड़ेगा। हाँ भैया, वो बात है उनके अंदर। आंटी अगर किसी भी काम में बिठाओ ना, पूरे ध्यान से वो करते हैं। कल कह तो रहे थे कि खा के भी जाएँ फिर लेके भी जाएँ, ये अच्छा रिवाज है तुम्हारा। नहीं हाँ अंकल जी, ऐसा तो यहाँ चलता ही है, चलता ही है, चलता ही है। हम तो मिले ही नहीं अभी तक। अच्छा जी, तो अब बारी है नेक्स्ट डे की, तो अब हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं इफ्तार में मैंने बनाए हैं आज प्याज के पकौड़े, गोभी के पकौड़े और ब्रेड पकौड़े, क्योंकि मेरे पापा को बहुत पसंद है। और चने की चाट बना दी है, ब्रेड पकोड़े जो है वो पूरा रेडी कर दिया है, बन रहे हैं। तो मिनास को ब्रेड पकोड़े बहुत पसंद है, तो अफ्तार जो है मिनास का हमारे यहाँ पर ही होगा, क्योंकि मम्मी पापा रोज़ा रखते नहीं, तो मैं उनकी अफ्तारी भिजवा देती हूँ, और मिनास जो है भैया अपने ऑफिस में रोज़ा खोलते, मिनास हम लोगों के साथ में रोज़ा खोल लेती है। तो बस इसी तरीके से हमारे रमज़ान बीत रहे हैं, और मैं साथ के साथ जैसे कहते ना दूसरे काम भी कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अफ्तारी के साथ साथ घी मैंने निकाला था आज, मलाई जो भी है, बलाई मलाई जो भी कहते हो, तो बस वहाँ पर मैंने घी निकाल लिया था, क्योंकि घी भी ख़त्म हो जाता है। तो बस ये सब काम भी करते, मतलब एक हाउसवाइफ के ना ये दो हाथ नहीं होते, चार हाथों से उसे काम करना होता है। उसके बाद मुझे जाना है शाम को मिनास को लेके शॉपिंग पे, क्योंकि मेरे बच्चे के कपड़े नहीं आए, अब सबके कपड़े आ गए हैं, सबके दिला दिए, सब कुछ हो गया, बस अब मिनास रहती थी। मिनास का ये कि जब तक उसका कुरान पूरा नहीं होता वो घर से नहीं निकलती, वो अपने ऑफिस से आके उसकी पूरी कोशिश रहती है कुरान पूरा करने की, उसके बाद फिर निकलती। तो माशाल्लाह से मिनास का कुरान हो चुका है पूरा, अब हम लेके जाएंगे उसको, और यहाँ पर हमारा दस्तरखान सज चुका है, आप भी आ जाइए इफ्तारी के लिए हमारे साथ। तो माशाल्लाह से मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद आई, सभी कुछ उसको बहुत पसंद है। और आज मैंने फर्स्ट टाइम रूह अफ़ज़ा बनाया पूरे रमज़ानों में, और मैंने तो बिल्कुल भी बर्फ़ वगैरह कुछ यूज़ नहीं कराया, क्योंकि गले वैसे ही इतने ख़राब हो रहे हैं सर्द गर्मियों में, इतनी अभी गर्मी नहीं आई कि हम बर्फ़ डाल के रूह अफ़ज़ा या शरबत पिए। मिनास का तो यही है कि जोक्स चलते ही रहते हैं उसके, उसका कोई उसकी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आंसू जी बैठे हुए, रोज़े से पहले वाला टाइम जो होता है ना वो बहुत ही अलग होता है। तो बस अब हम चलते हैं अफ्तारी के बाद मिनास को लेके शॉपिंग पे। हमारा मन है गाइस, अपन दोनों हम आए हैं फालूदा खाएंगे। यार नहीं, मेरे को तो फालूदा तो बिल्कुल भी नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद फालूदा। पसंद गाइस, तो सबकी शॉपिंग हो गई है, एज यूजुअल सबकी रह गई थी, तो वो हम आए हैं लास्ट में। अच्छा, मैंने आज की शॉपिंग कराने के लिए चाहने के था ना, बस की नहीं था दरियागंज जाना, तो हम इसे यहीं पे जाना नहीं था वहाँ। मतलब दुनिया, लोग ये कहेंगे कितनी बेवकूफ़ है मैंने कि लोग दिल्ली में पुरानी दिल्ली चांदनी चौक शॉपिंग करने जाना चाहते हैं जबकि हम दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। दिल्ली में होगा वहाँ नहीं जाना चाहते, लेकिन वहाँ पर बहुत, आई नो बहुत अच्छा कलेक्शन होता है, बट बहुत क्राउड होता है, क्राउड है, बहुत भीड़ होती है। और रमज़ानों में तो मतलब सोच के ही मतलब काम जाती है हमारी, वहाँ पर बस हम ही कर सकते हैं, सबके दिला दिए थे। अभी ये बच्चे है सबसे छोटा और सबसे छोटा बच्चा रह गया मेरा। हाँ ये चलो चलते हैं, देख अभी चश्मा वाला भैया मुझे देख लेंगे ना, अभी आए थे लोग भी हमारी, चश्मा बनवाने हैं, नहीं हमने बनवाए अभी बुलबुल के चश्मे बनवाए थे। आप अपने विजिटिंग कार्ड से, विजिटिंग कार्ड, हाँ हाँ हाँ, मैं सब कराती हूँ। देखो जी, हम सब्जियों से लेकर शॉप, गायनी भी है, गायनेकोलॉजिस्ट भी मेरे अंडर में रहते हैं, रिक्शा वाले तक से इनसे कॉन्टेक्ट है, आपको कोई रिक्शा परमिट करवाना ही लगा।
चलो हम आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बहुत सारी शॉप्स देखने के बाद, शोरूम देखने के बाद मीनाज यहाँ पर आ गई हैं, और कुछ चीज़ें मीनाज को पसंद आ रही हैं और कुछ नहीं। और बात इस तरीके की कि मुझे जो ड्रेस पसंद आया मीनाज का, वो आया है ऑफ वाइट कलर में, और मीनाज ने बोला है कि फिर अपने सब्सक्राइबर से बोल देना कि मीनाज के पास देखिए स्काई ब्लू ऑफ वाइट कलर ही होता है। तो देखने के लिए कि क्या कर रही है इधर मीनाज, मीनाज की बोला तुम तो इसकी शॉपिंग जो है ना वो घर चल के दिखाओ फिलहाल। तो ये वो टेलर की हेडिंग है, यहाँ पर मास्टर जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये शोरूम है, बाज आ गई है। सही, हैप्पी, नाइस। अभी जब घर जाएंगे ना तो आप पहनेंगे, आप इसको तैयार होंगे ना? हाँ तैयार है, अभी नहीं दिखाऊंगी मैं आपका, वो उधर दिखाऊंगी। फाइनली फाइनली हम लोगों ने बाज के लिए ले लिया है सामान, शॉपिंग हो गई है बाज की, और सो हैप्पी। एंड होता यही है एथनिक में, वैसे हमारा केस हर चीज़ में बहुत अच्छा है, बट एथनिक में हमेशा ये होता है कि बाजी कुछ एट दी एंड दिलाती हैं, फिर लगता है चल ठीक है जो बोल रहे हो ले लो, और फिर वही अच्छा लगता है। वैसे तो सब बोलते हैं कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, पहले मेरा टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि पहले हमें टेस्ट का पता ही नहीं था, मम्मी लाती थी हम वही पहनते थे, आज हमारे लिए एथनिक बाजी लाती हूँ वही पहनते थे, तो सब हमारा वही है। ऐसे हर चीज़ में हमारा टेस्ट सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारा टेस्ट बहुत अच्छा जाता है हर चीज़ में, कैलकुलेशन अच्छी जाती है, कैलकुलेशन और हर लिहाज से, बस एथनिक में कभी इतना हाथ लगाया नहीं तो इतना समझ है। तो जी फाइनली हो चुकी है हमारी शॉपिंग, अब टाइम था थोड़ा स्ट्रॉबेरी शेक पीने का। आप लोगों से होगी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान।